Next one is dipole field. The electric field produced by an electric dipole is called a dipole field. और डाइपोल की जो फील्ड पैटर्न आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, एक सिलेंड्रिकल फील्ड पैटर्न आएगा. अब इसके अंदर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, एक आपका एक्सियल लाइन का है, दूसरा आपका इक्वेटोरियल लाइन का है. यहाँ पे आपने कोई भी एक डाइपोल बनाना है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखना है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखना है, इसका सेंटर आपने ओ लेना है और दोनों के बीच की डिस्टेंस आपने लेनी है 2L. इस सेंटर से लेके इसी की एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट पी लेना है, जिसकी डिस्टेंस सेंटर से कितनी लेनी है आपको, आर. अब माइनस क्यू चार्ज से टोटल पी तक की कितनी डिस्टेंस हो गई, आर, और यहाँ से कितनी है, एल. तो ये हो गई आर प्लस एल. प्लस क्यू चार्ज की कितनी होगी, टोटल कितनी है, आर. इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, एल, तो आर माइनस एल. नेक्स्ट देखिए, अगर आपको इसमें डायग्राम समझ में आ गया तो आगे आर्टिकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, कौन सा चार्ज, माइनस क्यू एट पॉइंट पी इज. माइनस के कारण जो फील्ड लगती है वो हमेशा अंदर की साइड लगेगी, जैसे इसमें ई फील्ड का है अंदर की साइड है, और प्लस के कारण हमेशा कहाँ लगती है, बाहर की साइड. तो प्लस माइनस क्यू चार्ज के कारण जो फील्ड होगी वो कितनी होगी, वन अपॉन में फोर बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन में आर प्लस ए का स्केयर. अगर ये आपने डाइपोल लेंथ 2a माननी है तो a ले लेंगे, अगर 2l माननी है तो यहाँ पे l ले लेंगे. उसके बाद हमें किसके कारण निकालनी है, प्लस क्यू चार्ज के कारण निकालनी है, और प्लस क्यू चार्ज के कारण कितनी आ जाएगी, वन अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर माइनस ए का स्केयर. नेट फील्ड एक्सियल अलोंग के अलोंग कितनी आ जाएगी, नेट फील्ड यानी कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, तो ई एक्सियल किसके बराबर आ जाएगी, ई प्लस क्यू चार्ज के कारण प्लस में ई माइनस क्यू चार्ज के कारण. इस इक्वेशन से दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, कॉमन क्या आ गया, क्या अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया. उसके बाद क्या बचा आपके पास, इसमें से अगर इसका एलसीएम लेंगे तो आर स्केयर माइनस ए स्केयर का कंप्लीट स्केयर क्या आ गया, एलसीएम आ गया. यहाँ से प्लस का बच जाएगा, यहाँ पे माइनस का. इस आइडेंटिटी को आप ओपन कर लीजिए, ओपन करेंगे तो आर स्केयर से आर स्केयर, ए स्केयर से ए स्केयर, बोथ आर कैंसिल्स, तो अपने पास क्या बचेगा, फोर ए आर. अब हम लिख सकते हैं क्या इंटू में टू ए इंटू में टू आर, और क्या इंटू में टू ए को अभी आपने क्या लिखा था, डाइपोल मोमेंट पी, तो 2πr अपॉन में 4πε एप्सिलॉन नॉट, और एलसीएम कितना था आपका, आर स्केयर माइनस ए स्केयर का स्केयर. अगर डाइपोल शॉर्ट है आपका तो r कहीं बड़ा हो जाएगा किससे, a से, तो ए स्केयर को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो आर स्केयर माइनस ए स्केयर को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख पाएंगे, आर स्केयर. तो ई एक्सएल कितना जाएगा, वन अपॉन में 4πε नॉट 2πr अपॉन में r की पावर 4, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो 2π अपॉन में 4πε आर क्यूब.